बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती और सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती और सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप की चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो हम आज ऐसे शख्सियत को इस वक्त आज हम लाइन में लेंगे जो ओडिशा के एक चर्चित खिलाड़ी रहे हैं। ओडिशा रणजी के लिए इन्होंने बहुत सेवा दिया है, सिर्फ ओडिशा रणजी नहीं बल्कि विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने ओडिशा के लिए बहुत सेवा किया है और कमाल के खिलाड़ी रहे हैं, कमाल के ऑलराउंडर रहे हैं ये। उड़ीसा का केएल राहुल इन्हें कहा जाता है, प्रयास सिंह ठाकुर को। और प्रयास सिंह ठाकुर को मैं इस वक्त लूँगा लाइन में और उनसे बातचीत करूँगा उनके अपने कैरियर के बारे में, उनके अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने इस इतने सारे कठिन रास्तों को पार करके वो आज आए, उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ में बन चुके हैं कुल मिलाकर प्रयास सिंह ठाकुर और हम उनको लाइन में लेने के लिए बन चुके हैं। ओडिशा रणजी की बात अगर कहा जाए, प्रयास सिंह ठाकुर के लिए बहुत अच्छा साल रहा था उनका 2017 से लेकर 2019 तक का इनका साल बहुत अच्छा रहा था प्रयास सिंह ठाकुर का। प्रयास सिंह ठाकुर हमारे वेब को थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए तभी मैं आपको लाइन में ले सकूंगा। प्रयास सिंह ठाकुर जी वो हमारे साथ में लाइन में बन चुके हैं। बहुत सारे रणजी खिलाड़ी को और मैं लगातार ऐसे रणजी खिलाड़ी को और उड़ीसा के जो उदीयमान खिलाड़ी जो लेदर बॉल के जिसे ड्यूज बॉल के बहुत बढ़िया खिलाड़ी कहा जाते हैं उन सबको मैं और उसके साथ साथ उड़ीसा के जो सुपरस्टार रणजी प्लेयर हैं उनको भी मैं लूँगा। प्रयास सिंह ठाकुर अगर आप लाइन में बन चुके हैं लेकिन मेरे वेब को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर आप वेब को एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपको लाइन में ले पाऊँगा जी। प्रयास सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ में एक्सेप्ट करेंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। भाई नमस्कार। हेलो, नमस्कार नमस्कार भाई, केमती अछंती भाई? मो भला अछे भाई, कोन तो आपण केमती अछंती? भलो अछि। आपण ड्राइविंग करू छन बेटा? हां, मो जस्ट के साइड रे लगे दो छी, मो भाईटा चलेइबो एबे तापरे मो आपण से त कंटिन्यू करछ टिके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आ गए, तो देख सकते हैं इस वक्त प्रयास सिंह ठाकुर जी ने हम टीवी में देख रहे थे जिनको हम लगातार हम उड़ीसा रणजी के लिए, उड़ीसा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए और उड़ीसा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए खेलते हुए देख चुके थे, जो हमारे साथ इस वक्त बन चुके हैं और वो इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी थोड़ा पार्किंग करूंगा तभी मैं आपसे बात करूंगा। क्या प्रयास सिंह, अब आप जी आप बन चुके हैं हमारे साथ? जी जी। क्या आप गाड़ी चला रहे थे इस वक्त? हाँ चला रहा था, अभी मेरा भाई चला रहा है। कहाँ से कहाँ का सफर है इस वक्त आपका? एक्चुअली मैं थोड़ा टाउन आया था थोड़ा काम से, मैं घर का ही कुछ काम था उसके वजह से। और गर्मी कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कितना है? गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, 42-43 तो नॉर्मल रह रहा है, हाईएस्ट 48 तक भी गया है, तो गर्मी तो है काफी। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपका एयर कंडीशन ऑन है इस वक्त। जी, और प्रयास सिंह ठाकुर बताएंगे आपका एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ से है, कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक, कौन सा पंचायत, कौन सा गांव, या फिर आप टाउन से है, सिटी से है, बताइए थोड़ा। जी जरूर, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत कम लोग हैं जो ऐसा मतलब प्लेयर लोग के साथ कन्वर्सेशन करके उनके बारे में जानने को रखते हैं, तो थैंक यू सो मच आपका ये जो भी आप कंटेंट रखे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा पूरा नाम प्रयास सिंह ठाकुर, मेरा घर नोआपड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग नोआपड़ा जो टाउन है मेरा फैमिली, और मेरा पहला क्रिकेटिंग करियर यहीं से ही स्टार्ट हुआ है, और पहली बार जब मैं ड्यूज बॉल क्रिकेट यहीं पे एक क्लब एक है YMC क्लब करके वहां पे मैंने स्टार्ट किया था, वहीं से ही फिर जर्नी चलता गया। तो प्रयास सिंह ठाकुर एक सवाल आपके लिए इस वक्त है, आप जो आ रहे हैं नुआपड़ा तो नहीं है ना, ये नुआपड़ा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के करीब करीब है ये? कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का एक और हिस्सा है, जब 93 में क्या हुआ था, 93 में कलाहांडी के ही अंडर में आता था, फिर जब हिस्सा बंटवारा हुआ तो नुआपड़ा का एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिसमें कि हमारा नुआपड़ा हेडक्वार्टर है इसमें। अभी फिलहाल मैं यहीं पे ही हूँ, अभी नुआपड़ा में ही। जी, अब
नवापड़ा में है, वहां पे मतलब कड़ाहांडी आसपास, जिसे ये पश्चिम उड़ीसा ही है। पश्चिम उड़ीसा हमारा छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, यहाँ से मेरे घर से 2 किलोमीटर के बाद छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये केबी के एरिया है। हाँ, अच्छा, प्रयास सिंह अभी ठाकुर यहाँ का बता के जी, आपका नाम प्रयास सिंह ठाकुर है, क्या आप मुंबई से हैं? नहीं, हम लोग, हमारा नेटिव प्लेस यूपी का है, अच्छा यूपी का है, लखनऊ से हमारा नेटिव प्लेस है। करीबन हम लोग 5th जनरेशन है यहाँ उड़ीसा में आके बैसे हुए। मेरे 5 जनरेशन पहले ही यहाँ पर आए थे, काफी टाइम पहले, जी और मतलब तब जब आए थे तब ये एमपी में आता था ये हिस्सा नवापड़ा। उसके बाद जब धीरे धीरे हिस्सा बंटवारा हुआ, वो बहुत पुराना समय का बात है, फिर ये उड़ीसा के सीमा में आया। और तो मतलब पहले ये एमपी के अंदर जाता था ये, और जी, जब ये बंटवारा हिस्सा हुआ तो एमपी में फिर आया। जी ओडिशा के अंदर आ जी, गया। और प्रयास सिंह ठाकुर बताएंगे, आप क्या फिर से आप यूपी जाते हैं कभी कभी अपने गांव को या नहीं? नहीं, कभी हमारे पेरेंट्स लोग जाते हैं जब कुछ फंक्शन होता है। तो वैसे तो जब से क्रिकेट कैरियर में मेरा एक प्रोफेशनल बना हूँ, तब से थोड़ा सा कहीं घूमने के लिए जाना और कहीं शादी फंक्शन में जाना, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग का जब क्रिकेट सीजन चलता है तभी बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे शादी ब्याह तभी होते हैं जब हमारा क्रिकेट सीजन स्टार्ट होता है, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। और ऑफ सीजन में क्या है, हम थोड़ा कभी रेस्ट करते हैं, कभी हम अपना इंजरी के ऊपर काम करते हैं, कभी और कुछ स्किल के ऊपर काम करते हैं, कहीं बाहर जाकर टूर्नामेंट तो खेलते हैं, तो हम लोग बिजी रहते हैं साल भर बोला जाए तो, इसीलिए कहीं जाते नहीं है। प्रयास सिंह ठाकुर, टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव एंड व्हाट इज योर फादर डूइंग नाउ? अभी फिलहाल हमारे घर में मेरे पापा अभी रिटायर्ड हैं, मतलब रिटायर्ड इन द सेंस गवर्नमेंट जॉब नहीं था, बट काम था, जैसा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, ट्रक था। उसके बाद फिर अभी मेरी मम्मी एक पॉलिटिशियन भी है, मतलब वो काउंसलर थे लास्ट इलेक्शन के टाइम में। फिर अभी हम लोग, मेरा छोटा भाई है, मेरा खुद का क्रिकेट अकेडमी भी है, और मेरा एक जिम भी है, वो मेरा एक साइड बिजनेस है। तो मेरा भाई मेरा बिजनेस देखता है, मैं जब रहता हूँ अवेलेबल तो वो देखता है, मैं आता हूँ कभी, तो वही है मेरा बैकग्राउंड। ज्यादा हम हाई क्लास नहीं है, बट यस हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अभी जी कोशिश यही है कि हम यहाँ पर एक अपना अच्छा एक इम्पैक्ट डालें, ताकि मेरे डिस्ट्रिक्ट से जैसे कोई भी लड़का आज तक स्टेट नहीं खेला है, मैं खेला हूँ, और ऐसे मेरे पहले कोई खेला नहीं था और अभी तक मेरे बाद कोई नहीं खेला है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी प्लेयर यहाँ निकले और अच्छा प्रयास एक ठाकुर, रणजी आपका जो एकेडमी जो है वो एकेडमी का नाम क्या है, और कितने बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फीस रहता है वहाँ, क्या हॉस्टल है आपके पास, ये सब चीज के बारे में बताइए थोड़ा। जी, मेरा एकेडमी का नाम है जय देवी क्रिकेट एकेडमी, जो जेडी क्रिकेट एकेडमी के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जी मेरे लेट ग्रैंड मदर का नाम है जय देवी, तो उनके नाम से मैंने एकेडमी स्टार्ट किया है। तो लगभग अभी मेरे पास जब फर्स्ट ईयर एडमिशन स्टार्ट हुआ था तो 60-65 मेंबर्स मेरे पास थे, छोटे बच्चे और सीनियर्स मिला करके। अभी फिर सेकेंड वेव कोविड हुआ, उसके बाद थोड़े बच्चे लोगों का डिसकंटिन्यू हो गया, फिर भी अभी मेरे पास 30-35 बच्चे हैं जो प्रैक्टिस आते हैं। और ये लोकेशन आप बोलेंगे तो जो खरिया रोड है हमारा, नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक और ब्लॉक है खरिया रोड, वहाँ पर है हमारा एकेडमी। और फीस स्ट्रक्चर बोलेंगे तो ऐसा हम ज्यादा फीस नहीं करते, जो 700-800 रुपीज पर मंथ रहता है, और जो भी साल भर का एक साथ फीस करता है तो उसके लिए और कम रहता है। हमारा मेन मेंटेनेंस का ही हम चार्जेस लेते हैं, बॉल हो या फिर जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसी का, और कोच जो है, कोच के लिए हम जो फीस रखे हैं वही बस रहता है। और हॉस्टल अभी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है काम, अभी जैसे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जहाँ पे एकेडमीज नहीं है, तो उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है प्रैक्टिस करना, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि बड़े बड़े स्टेट डिस्ट्रिक्ट में टाउन में जाकर, जैसे कटक भुवनेश्वर में जाकर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ आएंगे तो क्या इनको बहुत कम अमाउंट में ही, कम खर्च में ही उनको सब फैसिलिटी मिल जाता है। तो ये भी एक मेरा मकसद है कि उनको सब फैसिलिटी दिया जाए कम खर्च में, तो वही सब चीज मेरा प्लान है आगे। कभी शुरू शुरू कभी होता है आपका, सुबह क्लास कभी रहता है, ग्रीन क्लास कभी रहता है? हाँ, मॉर्निंग को हम नॉर्मली फिटनेस करते हैं और जो भी ड्रिल्स वगैरह करते हैं बहुत स्टार्ट होता है, और अभी
क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ठाकुर, शायद आपका नेटवर्क शायद थोड़ा सा तकनीकी कारण की वजह से नेटवर्क आपका नहीं आ रहा है। जी, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। आ रहा है नेटवर्क सही? अब आ रहा है शायद, अभी थोड़ा सा सही आ रहा है, लेकिन फिर भी झपसा झपसा जैसे आ रहा है अभी भी। तो क्या आप सुन पा रहे हैं? क्लियर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है। जी, तो मैं प्राय सिंह ठाकुर, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त आपको कि आप अपना कैरियर टेनिस से शुरू किए थे या डायरेक्ट आप लेदर बॉल पे गए? देखिए, कैरियर स्टार्ट जो जो भी आज तक खेले टेनिस बॉल से ही होता है, ये तो नॉर्मल है। घर में ही हम जब खेलते थे तो मेनली मेरे मम्मी का बहुत शौक था और मेरे चाचा जी का, क्योंकि चाचा जी लोकल क्रिकेट खेलते थे तो उस टाइम वो लोकल में कॉर्फबॉल में खेला करते थे, तो उनका क्रिकेट के प्रति काफी था और उनको बहुत मन था कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर बनूं, और मेरे मम्मी को भी बहुत मन था कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनूं, तो उसके वजह से मैं क्रिकेट में आया। और मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ता गया, जैसे ही मेरे को अच्छा लगने लगा गेम, जब मैं अच्छा करने लगा, मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे, मेरे फैमिली पर्सन जो भी बोलने लगे कि तू अच्छा खेल रहा है, तो वो मुझे और मोटिवेट करता गया कि हाँ मैं अच्छा खेल रहा हूँ और अच्छा खेलना है मेरे को। फिर मैं फर्स्ट ईयर में छोटा था, मुझे याद है, मैं हैदराबाद में जा करके मेरा क्रिकेट कोचिंग करियर स्टार्ट किया था। वहां पे मैंने पहले प्रोफेशनली सीखा, उसके बाद हमारा यहाँ पे लोकल में YMC एक क्लब है, यहाँ पे सीनियर भैया लोग खेल रहे थे, इन लोगों ने काफी हेल्प किया मेरे को सिखाने में। तो फिर धीरे धीरे मैं जब से स्टार्ट किया ड्यूस बॉल खेलना, तब से मैं और टेनिस बॉल और नहीं खेला, क्योंकि मुझे सीनियर्स लोग भी मना करते थे कि तू टेनिस बॉल खेलेगा तो तेरा गेम बिगड़ जाएगा या फिर तू प्रोफेशनल उतना नहीं हो पाएगा, तो अगर प्रोफेशनल बनना है तो तुमको ड्यूस बॉल में ही ज्यादा क्रिकेट खेलना है। तो मैं फिर उसके बाद ड्यूस बॉल में ही पूरा क्रिकेट खेला। और आपको पहला रणजी मैच जो आप खेले थे, कैसे आपको खबर मिला, कैसे आपको फोन माध्यम से आया था कि आपको रणजी मैच खेलने का मौका मिला है? भी कोचेस हैं जो भी हैं उनके साथ मैं रेगुलर टच में रहता हूँ। अभी जैसे वसीम सर भी आए हैं हमारे साथ, तो काफी हेल्प होता है किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो उनका अवेयरनेस गेम के प्रति बहुत ही अच्छा है। मतलब हम जितने भी कोचेस के अंडर में आज तक खेले, उनका थोड़ा अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से हमको काफी हेल्प होता है कि कोई भी अगर तकलीफ है तो हम उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उनसे बहुत कुछ जान सकते हैं। रणजी मैच कब आपको मिला था? सबसे पहला मुकाबला कब खेला? जी, रणजी ट्रॉफी जो टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच मैं टीम में आया था 2018 में, जी बट मेरा डेब्यू नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद तब से मैं वनडेज और T20s में रेगुलर रहा हूँ, खेला हूँ हर साल। उसके बाद अभी मैं कोशिश यही है कि अभी नेक्स्ट स्टेप जाऊँ, जैसा मेरा मेन टारगेट तो IPL है, IPL एक फर्स्ट, उसके बाद अल्टीमेट गोल तो इंडिया का है, वो जो हर क्रिकेटर का वही गोल रहता है, तो मेरा भी वही गोल है। हम अपना कोशिश करते रहेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आप खेल चुके हैं, कितना जी, मैच खेले हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपका? मुश्ताक अली में मैंने करीबन 12 से 14 मैच खेला हुआ है, और वनडेज में भी वैसा ही कुछ 12-15 मैच मैंने वनडे का भी खेला हुआ है। विजय हजारे ट्रॉफी भी आप खेल चुके हैं, सर्वाधिक स्कोर कितना रहा आपका? सर्वाधिक एक मैंने एक ही हाफ सेंचुरी किया हुआ है, 51 समथिंग, मैंने मेरा एक ही हाईएस्ट स्कोर रहा है अभी तक मुश्ताक अली, सॉरी विजय हजारे में।
बट उसके बाद खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, कभी मेरा गलत फॉर्म या फिर बहुत सारा ऐसा गलत डिसीजन के वजह से मैंने आउट हुआ है काफी, मतलब मेरे खुद के गलत डिसीजन, गलत शॉट सिलेक्शन ये, तो अभी मैंने उसके ऊपर भी काफी काम किया है। आगे मैं जरूर अपना 100% करके और भी अच्छा कैसे परफॉर्म करूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ अभी। एक खिलाड़ी को अगर रणजी ट्रॉफी तक जाना है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तक जाना है, विजय हजारे ट्रॉफी तक जाना है, तो क्या क्या करना होगा उसके लिए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको काफी चीज का अवेयरनेस नहीं होता है जब वो इनिशियली क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ था, जब मैं इनिशियली क्रिकेट स्टार्ट किया तो काफी चीज का मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे खेलते हैं, क्या हमको करना चाहिए। बट आजकल के डेट में क्या है, ओसीए ने काफी अच्छा ओपन कर दिया है। पहले तो उतना थोड़ा सा कंफ्यूजन्स रहते थे कि कैसे कहाँ सिलेक्शन होगा क्या होगा, बट अभी क्या है सारे चीज ऑनलाइन हो गए। तो एक बच्चा अगर खेलना चाहता है रणजी ट्रॉफी, एक बच्चा अगर आगे का लेवल खेलना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपना डिस्ट्रिक्ट में ही नंबर वन बनना पड़ेगा। आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन बनेंगे तो आप एक स्टेट में 15 के अंदर आ सकते हैं, है ना। तो पहले तो आप अपना ग्रास रूट लेवल में ही आप अपने आप को पूरा तैयार करिए। सबसे पहले आता है फिटनेस लेवल, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो आपका फिटनेस लेवल जितना अच्छा रहेगा आपका मेंटली उतना आप अच्छा सोच पाएंगे, आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा करेगा, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद आता है स्किल पार्ट। तो मेरे ख्याल से स्किल पार्ट में सब आसपास ही रहते हैं, किसी का बहुत अच्छा स्किल या फिर किसी का बहुत अच्छा या बहुत खराब स्किल नहीं होता, सब आसपास ही रहते हैं स्किल में। बस ये फर्क इतना ही रहता है कि माइंडसेट का, कौन किस माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, कौन किस माइंडसेट के साथ मैच खेल रहा है। और जब आप एक माइंडसेट अच्छा कर लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितना बड़ा बॉलर बॉलिंग कर रहा है या फिर कितना बड़ा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, आपको बॉलिंग करना है। तो माइंडसेट इज द की पॉइंट कि आपको अगर खेलना है तो आसान तो नहीं होता कोई भी लेवल खेलना। आप अगर डिस्ट्रिक्ट भी खेलेंगे तो कई लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट खेलना भी मुश्किल होता है, और कई लोगों को अगर स्टेट खेलना है तो कई लोग इजी होता है, जैसे कि उन लोग अवेयर रहते हैं, उनका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है, इसलिए उन लोग खेल पाते हैं। जैसे अभी सिंपल एग्जांपल है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो मेरे से पहले जो खेलते थे उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था कि हमको रणजी ट्रॉफी या स्टेट खेलना है, क्योंकि उनको लगता था कि हम तो छोटी जगह से हैं, यहाँ पे उतना फैसिलिटी नहीं है और वहां जा करके उतना हमको सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा उनका माइंडसेट था। बट जब से मैं खेला तो उनका माइंडसेट फिर चेंज हुआ, नहीं हाँ यहाँ से भी लड़के खेल सकते हैं, कहीं से भी, आप मैटर नहीं करता आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप किस रंग के हैं, कौन से कास्ट के हैं, आप अमीर हैं गरीब हैं, ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता। आपका माइंडसेट और आपका मेहनत वही है जो आपको खिलाता है आगे। जी, शुभ्रांशु सेनापति को अभी तक के लिए चांस नहीं मिला, लास्ट 2 महीने रह चुका है, क्या लग रहा है चांस मिलेगा या नहीं? देखिए हम तो चाहते हैं कि उसको चांस मिले, क्योंकि हम काफी करीब से उसके साथ खेले हैं, उसका जूनियर लेवल से लेके अभी तक उसके अंडर में मैंने खेला भी है, वो कैप्टन रहा है, तो काफी अच्छा बैट्समैन है। और अगर वो खेलेगा तो हम सबको बहुत खुश होगा, खुशी लगेगा, क्योंकि एक अच्छा टैलेंट है और ये हमारे सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि चलिए एक काफी साल के बाद जब बिमला भाई और नटराज भैया ये लोग जब खेले थे उनके बाद काफी टाइम के बाद एक प्लेयर है जो हमारे आईपीएल में हमारे स्टेट से गया, तो अब यहाँ से हमको इतना भी है कि अभी एक गया है, आने वाले साल में और दो जाएंगे, फिर आने वाले साल में और जाएंगे, तो इंस्पिरेशन भी है। और आई होप और आई लाइक मैं प्रे भी करता हूँ गॉड को कि उनको खेलने को मौका मिले और वो अगर खेलें तो अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि हमको भी प्राउड फील हो। आपने उनको करीब से बहुत देखा है, करीब से खेलते भी उनको देखा है, अगर उनको चांस मिल जाए लास्ट 2 मैच में, कैसा रहेगा उनको वैसा? क्योंकि नेट भी हम लोग देख देखिए रहे हैं जिस तरह से प्रैक्टिस किया है उन्होंने। जी, और क्या होता है अभी देखिए, अभी वो इससे पहले जिस माहौल में थे, हमारा उड़ीसा का माहौल था, तो उड़ीसा में हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं वो एक अलग होता है। और अब जब एक आईपीएल टीम के पास जाते हैं जिसमें कि आपको आपके सराउंडिंग में एमएस धोनी जैसे प्लेयर, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर, और काफी ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं,
जिनके साथ आपको खेलने का मौका मिल रहा है, तो आप उनके साथ काफी चीज नया सीखते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे और क्या क्या चीज नया सीखने को मिल रहा है और आपका क्या साउंड चीज। थोड़ा लो हो गया, सुना नहीं दे रहा साउंड। अभी सुनाई दे रहा है? जी, एक सेकेंड, थोड़ा मैं ऑफिस चले जाता हूँ। ये मेरा क्रिकेट एकेडमी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है, ये ट्रॉफी गेट के लिए मिट्टी आया हुआ है, ट्रॉफी गेट भी काम चल रहा है। इधर पीछे मेरा हॉस्टल बन रहा है, इधर मेरा जिम है, और ये मेरा ऑफिस है। तो ऑफिस में बैठ के मैं आपसे बात करता हूँ। जी, तो अभी आप फिलहाल अभी कितने बच्चे हैं आपके पास जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? फिलहाल मेरे पास 32-35 स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर 16 और अंडर 19 के अंदर हैं सब। अभी इतने हैं, और अभी समर कैंप होगा तो काफी बच्चे अभी नए आने वाले हैं। कितने बच्चे हो जाते हैं समर कैंप में? समर कैंप में देखिए, पिछले साल समर कैंप तो हो नहीं पाया था कोविड के वजह से, सेकेंड वेव था। बट इस साल हमारा हमारा टारगेट यही है कि आसपास 70-80 बच्चे आएंगे, क्योंकि मेरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी, बरगढ़ से, बलांगीर से भी बच्चे आने के हैं। तो हो जाएंगे 60-70 बच्चे। और कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है जो आपको कि भारतीय टीम में जा पाएगा उड़ीसा की ओर से? कौन जी, सा ऐसा प्लेयर लग रहा है उड़ीसा से जो इंडिया टीम में जा अडिबा, पाएगा या फिर से भारत? जी ऑनेस्टली पूछे तो मुझे लगता है मैं जाऊंगा। और जी वैसे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं हमारे पास उड़ीसा में, मतलब बस थोड़ा सा मैं बोला ना, जैसे माइंडसेट का कमी है, इसी वजह से काफी प्लेयर नहीं खेल पाते। बट हमारे पास अभी अगर आप देखेंगे तो राजेश महांती अंडर 19 इंडिया खेल चुका है ऑलरेडी, ही हैज प्रूवन हिज टैलेंट। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जैसे सेनापति और देवाशीष सामंत है, ओपनर बैट्समैन शांतनु मिश्रा, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मेरे बैच के भी हैं और सीनियर में भी हैं काफी प्लेयर्स। तो ये लोग भी मतलब अच्छे जी प्लेयर्स हैं, जिन लोग इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी के पास टैलेंट का कमी नहीं है, बस जो है माइंडसेट, और वो प्रॉपर एक एनवायरमेंट अगर क्रिएट होगा तो डेफिनेटली आज से 1-2 साल के अंदर आपको कोई ना कोई खेलता जरूर दिखेगा। और प्रेसिंग ठाकुर बताएंगे कि उड़ीसा के लिए आप बहुत 5 बड़े टूर्नामेंट खेले हैं जो आपको लगा है कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा क्या क्वेश्चन। सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? प्रयास ठाकुर इस वक्त हमारे साथ बने हैं लेकिन तकनीकी कारण की वजह से उनका संपर्क नहीं हो रहा पा रहा है हमसे, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से। क्या सुन पा रहे हैं प्रयास ठाकुर हमारी आवाज को? जी, अभी आई आवाज, बोलिए बताएंगे क्या उड़ीसा के क्वेश्चन था, एक बार जी रिपीट करेंगे। बताएंगे 5 उड़ीसा के बड़े टूर्नामेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, प्राउड बहुत अच्छा हो। जी बिल्कुल, मैंने काफी जगह टूर्नामेंट खेला हुआ है, और अगर आप ऐसा रेटिंग के लिए पूछेंगे तो रेटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे टूर्नामेंट जो है लगभग मतलब अच्छे लगते हैं। और उनमें से एक जैसे हमारे नोएपाड़ा में भी होता है YMC कप, उसमें भी काफी अच्छे क्राउड रहते हैं, वो एक टूर्नामेंट है। और दूसरा टूर्नामेंट हमारे पदमपुर में बोड़ासंबर कप, ये एक होता है। फिर केउझर में एक नाइट टूर्नामेंट हम खेलते हैं, वो एक काफी अच्छा लगता है वो टूर्नामेंट। और बरहमपुर में भी लास्ट ईयर मैंने गया था एक टूर्नामेंट खेलने, कुछ बीजू कप ऐसा कुछ नाम था टूर्नामेंट का। ये 4 टूर्नामेंट हुआ, और ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट, जैसा लालमनी कप सोनपुर का, ये एक टूर्नामेंट है। फिर अभी रिसेंटली मैंने एक प्रीमियर लीग खेलने गया था, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, तो वो भी काफी अच्छा टूर्नामेंट है। मतलब ये टूर्नामेंट होते रहने से आपको एक्सपोजर मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट में भी क्रिकेट का डेवलपमेंट होता है। और जब तक आप एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से ही क्रिकेट का डेवलपमेंट करेंगे,
तभी जाकर के आप स्टेट में अच्छे प्लेयर्स आपको मिलेंगे। क्या होता है, अभी आप कटक, भुवनेश्वर, फिर राउरकेला और ऐसे एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देंगे, उसके बाद और डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट का उतना खेल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद उसी के वजह से क्या है, हमको ओडिशा में वो प्लेयर नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही अगर क्रिकेट का अच्छा स्टार्ट करेंगे, जैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या फिर लोकल प्रीमियर लीग्स करेंगे, सारे प्लेयरों को खेलने का मौका देंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो बच्चों को एक अलग सा जोश आएगा कि हाँ भाई, मेरे को इनके यहाँ पर परफॉर्म करना है, यहाँ परफॉर्म करूंगा तो मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले जानेंगे। फिर जो बाहर से प्लेयर खेलने आते हैं, हर एक टीम में जो फॉरेन प्लेयर खिलाते हैं, फॉरेन प्लेयर इन द सेंस दूसरे डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर जो खिलाते हैं, उनके सामने अच्छा करेंगे, उनसे उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस सब चीज जब होते रहेगा, सारे प्लेयर हर जगह जाकर खेलते रहेंगे, तो डेफिनेटली क्रिकेट का डेवलपमेंट होगा। एंड ऑफ द डे आपको अच्छा टीम ओडिशा के लिए ही मिल पाएगा, क्योंकि जितना मैचेस कम होते हैं वो एक हमारा माइनस पॉइंट है, जितने ज्यादा मैचेस होंगे वो हमारा प्लस पॉइंट है। जी, अभी तक के लिए आप कितना सेंचुरी बना चुके हैं अपने कैरियर में? टोटल आप बोले तो लोकल जैसे क्लब मैच हो, कितना तक के लिए सेंचुरी बना चुके हैं, कुछ याद है? हाँ, मतलब ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने काफी जल्दी ही क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरा पहला सेंचुरी बट याद है। पहला सेंचुरी मैंने हैदराबाद में एक लीग मैच में किया था, जो कि 2011 आई थिंक, 2010 10 आई थिंक, मैंने तब अंडर 16 स्टेट के लिए भी रिप्रेजेंट किया था उड़ीसा के लिए। तब उसी के बाद बाद मैंने प्रैक्टिस मैच के लिए मैंने लीग्स खेलता था जा करके, तो वो मेरा पहला सेंचुरी था। 106 नॉट आउट किया था मैंने करीबन 130 बॉल्स में, तो वो मेरा एक पहला सेंचुरी था। उसके बाद से आज तक अगर आप ऐसा बोलेंगे तो 12-15 सेंचुरी हुए होंगे आज तक, मतलब ज्यादा ही हुए होंगे, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, बट मेरे लाइफ में हाफ सेंचुरीज बहुत है, क्योंकि जी ज्यादातर मेरा जो बैटिंग का जो नंबर है वो 4-5-6 में मैं बैटिंग करता हूँ, जी तो कभी कभी ही अपॉर्चुनिटी रहता है सेंचुरी बनाने का, बट मेरे लाइफ में 70s, 80s, 60s तो काफी मैंने किया है। भाई, स्कोर कितना रहा आपका? हाईएस्ट मेरा इंडिविजुअल स्कोर रहा है 134, जो कि मैंने लास्ट ईयर ही डिस्ट्रिक्ट मैच में किया था, 56 बॉल में, T20 मैच था, 134 नॉट आउट बनाया था, तो वो मेरा अभी तक का T20 में। जी, ऐसा मैच बताएंगे प्रयास सिंह ठाकुर जो अपने मैच हार गया हो और वो आपको रुला दिया गया हो, मैच आपको रो गए हो, उस मैच में एक आपकी बहुत तकलीफ दिया हो, मैच कोई मैच आपको याद है जो मेमोरेबल मैच आपके लिए? हाँ, मतलब जब हम हारते हैं तो हमको तो तकलीफ होता ही है, बट ऐसे बहुत सारे भी सिचुएशन आए हैं जब हम जीतने वाला मैच हारे हैं। बहुत ऐसे हुए हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जहाँ पे हम लाइक हमारा एक बार हम OCL, लास्ट ईयर OCL में भी मैं बैटिंग कर रहा था, हमारा 106 रन टारगेट चेस करना था, बट उस टाइम में मैं 50 किया, 50 करके मैं खेल रहा हूँ, चेस कर रहे हैं, लास्ट ओवर में 12 रन था, बट मैंने वहां पे फर्स्ट बॉल में मैं आउट हो गया, जो कि एकदम डैम शॉर्ट बॉल था। उस दिन मुझे काफी तकलीफ लगा था, मैंने रात भर सोया नहीं था। वो एक ऐसा टूर्नामेंट है जो याद है, और भी ऐसे बहुत टूर्नामेंट जो अच्छे अच्छे मैचेस में, जैसे कि बोर्ड मैच का बात करें तो अभी रिसेंटली हम लोग T20 जब तमिलनाडु के साथ खेल रहे थे और 1 रन से जब हम हारे, तो अगर वो मैच हम जीतते तो हमारा एक मोमेंटम क्रिएट होता और हम मोस्ट प्रोबली हम थ्रू भी करते नॉकआउट्स के लिए, तो वो हम लोग के लिए और अच्छा एक्सपोजर होता, तो वो भी एक मुझे काफी, हम सबको बहुत तकलीफ हुआ था जितने भी टीम में थे। एक चीटिंग के वजह से भी हम हारे थे, क्योंकि एक जो मॉर्गन अश्विन का एक फील्डिंग था, वो जो बाउंड्री होना चाहिए था बाउंड्री नहीं हुआ, वो मिस फील्ड करके, बट उसने बोला कि बाउंड्री नहीं है, तो अंपायर उनका नियम है वो फील्डर के हिसाब से जाएंगे, तो बट हम जब कैमरा में देखे बाद में तो वो बाउंड्री था, तो अगर वो बाउंड्री मिल जाता तो हम जीत जाते, हम 1 रन से हारे थे, तो वही प्रॉब्लम हुआ, बट वो एक थोड़ा सा टफ टाइम था हमारे लिए। सिंह ठाकुर, आप बताएंगे कि आप अब तक कितना मेहनत सीरीज बन चुके हैं,
वो सैयद मुश्ताक अली मैं ट्रॉफी हो। आपको जी आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। ये ट्रॉफीज है मेरे, जी ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स और मैन ऑफ द सीरीज जितने भी हैं, तो ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। और बहुत सारे जगह पे क्या है, मिलता भी नहीं है ट्रॉफी, बट काफी जगह है ये सब मिला है। बीच का ट्रॉफी ये कहाँ का है? ये क्यूंझर में मिला था, ये मैन ऑफ द मैच का, क्यूंझर जी टूर्नामेंट में एक नाइट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच हुआ था। ये जी पटना कप एक है, वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ये एक और है चढ़ई बोल का टूर्नामेंट, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज हुआ जी था। ये ऐसे काफी सारे हैं, और रिसेंटली एक दो जगह के और भी हैं जो मैंने ट्रॉफी लाए नहीं है, घर पे रखे हुए हैं। तो प्राइसिंग था तो बताएंगे आप अंतरराष्ट्रीय प्लेयर के साथ में आप खेल चुके हैं अब तक के लिए। इंडिया प्लेयर, जी इंडिया प्लेयर में ऑलमोस्ट हम लोग जब भी खेलते हैं बोर्ड मैचेस, तो काफी मेरा डेब्यू सीजन में ही मैं जब खेला था मेरा फर्स्ट ईयर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, मनप्रीत गोनी और शिखर धवन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर, ऋषभ पंत, गौतम गंभीर, और रॉबिन उथप्पा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, विजय विजय मुरली विजय, दिनेश कार्तिक, ऐसे जितने भी डोमेस्टिक जो रेगुलर खेलते हैं उन सब से मिलना हो जाता है। मैंने आपके साथ में एक बार मिला था आपको, शायद वो याद नहीं होगा, मैच ये सिकू कप था, ये जाजपुर में ही होता था शायद कोविड अच्छा की वजह अच्छा से। कप ये जारका में होता है, जाजपुर में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, मैं वहाँ ओके पे था। आप वहाँ पे इस कोस्ट रेलवे से खेले थे, आप वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहा था, जी 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 आप पे खेले थे सब, वो राइजिंग स्टार्स कटक के साथ में मैच था वो, आप मैच वहाँ पे जीते थे, जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका वहाँ पे। और उसके बाद मैं जी काफ़ी आपके खेल से प्रभावित हुआ था मैं, और उसके बाद जहाँ पे जी भी मैं थैंक हुआ यू था मैच में आपकी तारीफ किया था, मैं वहाँ पे कहा था कि उड़ीसा का केएल राहुल भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन उसके बाद से जी धीरे जी थोड़ा जी सा आपका फॉर्म उससे जूझते रहे आप, लेकिन अभी तक के लिए आपका कैसा मेहनत जारी है आपको फिर से रिटर्न करने के लिए? जी देखिए फॉर्म तो आते जाते रहता है, एक एक सीजन अच्छा होता है फिर एक सीजन, बट हालांकि मैंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दिया नहीं है बोर्ड मैचेस में, बट मेहनत का अगर आप पूछें तो मैं अपना जो शेड्यूल, मेरा जो शेड्यूल मेरे को जो ट्रेनर्स लोग बताए हैं, जो मेरे कोचेस बताए हैं मुझे किस चीज पे काम करना चाहिए, मैं वो चीज रेगुलर करता हूँ। ताकि देखिए क्या होता है, तैयारी मेन होता है। आप अगर तैयारी सही से करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। एक एम एस धोनी भी एक अपने इंटरव्यू में बोले थे कि आप अगर साल भर तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन नहीं करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और आप अगर साल भर नहीं कर रहे हैं तो भी एक दिन आप तैयारी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको साल भर, हर दिन ऐसा नहीं कि गधे की तरह खटना है, हर दिन थोड़ा 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 मेहनत, क्योंकि ईच स्टेप्स टेक्स यू क्लोजर टू योर गोल। तो आप जितना जी छोटा छोटा स्टेप्स हर दिन लेंगे आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा हेल्प करेगा। तो हर दिन का एक मेरा शेड्यूल रहता है जी। पांच ऐसे बैट्समैन का नाम बताएंगे जो बहुत अच्छे लगे हो उड़ीसा के लिए पिछले साल उड़ीसा के जब। लिए जी 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 अगर ऐसा रैंकिंग करने के लिए बोलेंगे 1 to 5 में, तो प्रॉपर बैट्समैन का अगर मैं बात करूं तो सेनापति, शुभ्रांशु सेनापति, वो एक काफी क्लास बैट्समैन है। दूसरा संदीप पटनायक, एक ओपनर बैट्समैन है, वो भी काफी अच्छा बैटिंग करता है। और शांतनु मिश्रा, जो कि एक साल कैप्टन भी थे और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं वो बोर्ड मैचेस में। फिर अनुराग सारंगी नंबर 4, और नंबर 5 में आएंगे काफी हैं, अब 5 लोग का ऐसा बोलना मुश्किल है, बट गोविंद पोदार, विप्लव सामंत राय, ये लोग हमारे काफी टाइम उड़ीसा क्रिकेट को ये लोग सर्विंग दिए हैं। तो गोविंद भाई भी काफी अच्छे बैट्समैन हैं, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि पिछले 2 सीजन में उनका भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा जूझ रहे हैं, बट मुझे पता है कि वो एक काफी हार्डवर्किंग पर्सन है। विप्लव भाई भी काफी हार्ड वर्किंग, उनका मतलब मैं जितना इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि वो लोग अभी तक अपना काम करना नहीं छोड़े हैं, जो होता है ना प्रिपरेशन के लिए काम करना, वो उनका अभी तक जारी है। उनको ये बिलीव है, और उस बिलीव के चलते हमको भी वो बिलीव है कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। तो आप एज मैटर नहीं करता, आपका ऐसा कुछ चीज है नहीं कि आपको मैटर करता है, एज इज जस्ट नंबर।
अभी अगर प्रवीण तांबे अगर 40 ईयर्स ऑफ एज में आईपीएल रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम तो 30s में भी नहीं है अभी, हम 28 का भी हूँ, तो डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा है और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकता है, आपके हिसाब से नहीं होगा बट समय के हिसाब से होगा, तो आपको तैयार रहना है, कभी भी जो भी मिले ग्रैब करना चाहिए। सिंह ठाकुर, क्या अब कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो भारतीय टीम के हैं या भारतीय टीम का हिस्सा बन चुकी हैं, क्या उनसे किसी से आपका लिंक रहता है? आप किसी से बात करते हैं, टिप्स लेते हैं किसी से? ऐसे फोन नंबर्स कांटेक्ट या ऐसे तो नहीं होता है बट हाँ जब भी हम किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ हम मिलते हैं तो हम जरूर उनसे 10 मिनट 15 मिनट हमारे प्लेयर्स हम भी जाके बात करते हैं ताकि जो भी टिप्स हम ले सकें। बेसिकली टिप्स में हमको यही जानना रहता है कि वो अपने आप को कैसे रेडी रखते हैं बिफोर गेम, कैसे रेडी रखते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उस चीज को वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, और अगर परफॉर्मेंस खराब होता है तो भी वो अपने आप को किस तरीके से तैयार रखते हैं, किस तरीके से मेंटल रेडी रखते हैं कि आने वाला मैच उनका अच्छा हो, और फेलियर और सक्सेस ये तो पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ लाइफ है, आप लाइफ में कभी फेल होंगे कभी सक्सेस होंगे, तो उस चीज को लेकर के हमको किस तरीके से तैयार रहना है और किस तरीके से हमको अपना काम करते रहना है वही चीज हम मेनली टिप्स लेते हैं। तो हम काफी प्लेयर के साथ भी टिप्स लिए हैं, MS धोनी से भी हम टिप्स लिए थे रांची में जब T20 खेल रहे थे, मुनाफ पटेल सर से अभी हम मिले थे बड़ौदा में 2 साल पहले, तो उस टाइम भी हम उनसे बॉलिंग के बारे में टिप लिए थे क्योंकि हम ऑलराउंडर हैं तो हमको बॉलिंग बैटिंग दोनों करना है, तो हम ऐसे ही काफी अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ हम बात करके लिए हैं उनसे टिप्स। ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब खेल चुके हैं या फिर खेल रहे हैं या फिर पुराने खिलाड़ी हैं, क्या अभी आपका क्या अगर आप पर्सनल रिकॉर्ड? पूछेंगे हमारे उड़ीसा के तो जैसे SS दास सर हैं, उनके साथ मेरा बात होता है जब भी मुझे ऐसा मिलता है, या फिर जैसे वसीम सर तो अभी हमारे कोच हैं तो वो तो बहुत ही मतलब इतने ही फ्री हैं, जो हमको तो नहीं लगा था कि वो इतने फ्री होंगे शुरू में, हमको लगा था कि काफी स्ट्रिक्ट होंगे या फिर बात कैसे करेंगे, बट उनके आने के बाद इतना हमको मतलब ओपन रखे हैं कि हम कुछ भी अपना बात हो सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है ऐसा, तो उनके साथ हम हमेशा टच में रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे ऐसे उड़ीसा के पुराने जो अंडर 19 इंडिया खेले हुए हैं राकेश महंती और इंडिया 1 खेले हुए हैं हमारे जितने भी प्रभंजन मल्लिक सर हैं, अभी हमारे चीफ सिलेक्टर भी हैं, तो उनसे भी अगर हमको कुछ बात करना होता है तो वो हमारे साथ बिल्कुल रहते हैं, हमको बिल्कुल बताते हैं कि आपको इस जगह पे ये करना चाहिए या किस जगह पे क्या, वो बताते हैं हमेशा, तो है ये सब प्लेयर हैं। प्रेयर सिंह ठाकुर, लगभग आधा घंटा हम लोग बातचीत कर चुके हैं। जी इस जी यहाँ पे शो में आने के बाद आप मेरे साथ में रशीद, आपके इस शो में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? नहीं बिल्कुल अच्छा लगा, आप जो क्या होता है हम अभी हम बात कर रहे हैं जरूर, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ चैट में हमारे बहुत सारे जूनियर क्रिकेटर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो हमारे साथ भी खेले हैं, काफी लोग हैं, तो बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। अभी देखिए अभी काफी लोग मुझे भी फॉलो करते हैं जब से मैं सीनियर क्रिकेट खेला हूँ, तो अभी मैं जिस जगह में हूँ उस जगह में भी आने के लिए काफी लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो जब हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनको काफी हेल्प होता है कि हाँ हमको इस तरीके से तैयारी करना चाहिए, तो बस यही है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितने भी जूनियर्स हमको मिलते हैं तो हम उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से जो भी हो सके मेंटली हो या फिर कुछ भी स्किल वाइज हो, अगर मेरे तरफ से जो हेल्प हो सके मैं एज अ सीनियर एज अ एक्सपीरियंस मैं उनको शेयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है किसी को भी शेयर करना, तो अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, ताकि सिर्फ इंटरव्यू ही हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद ये है कि हमारे स्टेट से कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे खेलें और हमारा स्टेट का भी नाम करें, साथ में वो लोग अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराएं। प्रेयर सिंह ठाकुर, मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को भी लेना चाहूँगा रिसेंटली जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, जो आने वाले हैं, मैं उन सबको लेना चाहूँगा आपकी तरह। क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोग को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? अब मेरे हिसाब से आप जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे सीनियर स्टेट खेल रहे हैं एक बार उनसे आप जरूर बात करिए,
और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सारों जितने भी आपसे बात करेंगे, अगर वो लोग सुन रहे हैं या फिर जानेंगे बाद में, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। अभी कैसा होता है, अभी बहुत सारे प्लेयर लोगों को वही बोला ना, गेम अवेयरनेस नहीं होता है। जैसा मुझे अभी कुछ सालों से, अभी 1-2 साल से मुझे जो अवेयरनेस अभी जो पता है, अभी जो मैं गेम को रीड कर पा रहा हूँ, अभी जो मैं गेम को जान पा रहा हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि शायद मैं अगर ये U19 के टाइम में अगर जानता, तो हो सकता है मैं और अच्छा परफॉर्मेंस करके मैं, हो सकता है नेक्स्ट, मतलब और नेक्स्ट लेवल पहुंचा होता। बट कोई बात नहीं, अभी आपको एज अ सीनियर, हमको जूनियर को सपोर्ट करना चाहिए, जूनियर्स को लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद जूनियर्स ही हैं जो हम हमारे ओडिशा स्टेट को रिप्रेजेंट करके प्राउड फील कराएंगे। हमको जितना करना है हम अभी करेंगे, हमारे बाद भी एक जनरेशन आएगा, तो जनरेशन को हमको, हमारा ही काम है जो नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेकर जाए, उनको एक अच्छा रास्ता दिखाएं, एक एग्जाम्पल सेट करें। जी, कौन से प्लेयर के साथ आप अभी लिंक में हैं, जैसे गोविंद पोदार, विप्लव सामंतराय, जैसे आप कहते हैं राजेश महांती, राजेश धुपर, खेमा सागर, ये सब के साथ में आपका लिंक है, क्लोजली बात करते हैं, इनसे बातचीत आप कर रहे हैं। इसका क्रिकेट में एक अच्छा चीज ये है कि हर किसी का हर किसी के साथ अच्छा जमता है। यहाँ पे बहुत सपोर्टिव प्लेयर्स हैं, ऐसे कोई नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सारे प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खराब समय तो सबका आता है। अभी अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, अगर मेरा खराब समय आया है, तो अगर सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वहां पे बूस्टअप रहूंगा और आने वाले मैच में मैं अच्छा करूंगा। तो हमारे उड़ीसा में ये एक अच्छा चीज है कि कोई किसी को खींचता नहीं है, प्लेयर्स लोग स्पेशली सब एक दूसरे को पुश करते हैं और अच्छा करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पता होता है कि ये लड़का के पास टैलेंट है। अगर आपको पता है ये लड़का टीम में आया है तो कुछ टैलेंट है, इसलिए आया है। तो इसीलिए वहां पर हमको थोड़ा सा बस मोटिवेशन का जरूरत होता है, थोड़ा सा एक बैकअप का जरूरत होता है, जो प्लेयर प्लेयर को देता है, एक कैप्टन प्लेयर को देता है, एक सीनियर प्लेयर एक जूनियर प्लेयर को देता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जैसे आप नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से बात करें, तो विप्लव भाई से जरूर बात करिए, एक बार गोविंद भाई से जरूर बात करिए, राजेश महांती से जरूर बात करिए, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगा कि वो इंडिया खेल कर आया है, तो वहां पर कैसे उसको मौका मिला, कैसे वो आगे का सोचे हैं। फिर सेनापति जब वहां से आएंगे रिटर्न, तो आप एक बार उनसे भी जरूर बात करिए, तो अच्छा रहेगा, हमको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप चाहें तो मैं जरूर इन लोग से बात कर पाऊंगा, आपके कंपास से मैं जरूर कोशिश करूंगा और आप भी जरूर कोशिश करिएगा, जी आया हूँ उनको भी लेके आके लोगों तक पहुंचाऊंगा कि मेरे साथ में बन रहे हैं, उनकी उनका एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर कर रहे हैं, जो नए युवा क्रिकेटर आ रहे हैं उन तक पहुंच रहा है। तो प्रयास जी सिंह ठाकुर, आपकी जो आप बताएंगे आपके इलाके में, केबी के इलाके में जो 5 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, क्या आप चाहते, मैं भी एक कमेंटेटर हूँ, क्या आप चाहते हैं मैं वहां पे जाके कमेंट्री करूँ? जरूर जरूर जरूर, आपको, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप कमेंट्री में जरूर जी, मैं मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। कमेंटेटर और कमेंट्री जी का कोर्स भी किया, तो मैं जरूर वहां पे जी जाकर आपके जी इलाके और इस तरह का वहां भी एक्सपीरियंस रखूंगा, जिस जिस तरह से आप बताए, आप खेलते वक्त ही मैं ये सब चीज को बयां करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल पहले आपसे मैं बहुत वक्त लिया, कीमती वक्त लिया, जो शायद कोई ना दे जी पाए, लेकिन आपने दिया है, जी और तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम चाहते हैं कि आप थैंक यू जल्द सो से मच। फिर से आप जाएं, आप मेहनत करके आप उड़ीसा टीम में आप लग जाएं, और उसके साथ साथ आईपीएल में आपको मौका मिले, हम यही देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वही है मकसद, ताकि मैं खेलूंगा तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा गांव, पूरा शहर, हमारा पूरा स्टेट काफी प्राउड करेगा। ऑलरेडी एक सेनापति ने हमको प्राउड फील कराया है, और ये बिलीव भी दिलाया है कि सेनापति अगर खेल सकता है तो और भी प्लेयर हैं जो खेल सकते हैं उड़ीसा से। तो यही हमको काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिला है, तो हमको यहाँ से तैयारी में लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट ना करके, अपने जो हमको करना चाहिए हम उस पे करना चाहिए जो कंट्रोल में है, और बाकी सिलेक्शन होगा नहीं होगा, रिजल्ट जो है तो रिजल्ट के बारे में जब सोचेंगे तो प्रेशर बिल्डअप होगा। तो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट डू व्हाट प्रोसेस नीड, बस और कुछ नहीं, प्रोसेस को जो जरूरत है प्रोसेस में ध्यान दीजिए। और प्रयास सिंह ठाकुर, अगर आप अपना ये वीडियो देखना चाहते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, 100 नॉट आउट करके, आप देखा होगा, जहाँ पर 100 नॉट आउट, प्लेयर राइट। को 100 नॉट आउट जाता है, आप उस चैनल पर आप देख सकते हैं आपका ये वीडियो,
और इसी तरीके का जरूर बहुत सारा, इतना सारा जो आएंगे वो सब 100 नॉकआउट पर ही आपको देखने को मिलेगा। और प्रयास सिंह ठाकुर आपका बहुत कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर जब वक्त होगा हम आपसे जरूर बनेंगे, आप एक बार फिर से जब आई जाएंगे हम जरूर आपसे बनेंगे, और हमारा दुआ आपके साथ में है, पूरा उड़ीसा के लोगों का दुआ है, नुआपड़ा के पूरे लोगों का दुआ है आपके साथ, आप फिर से जाए और उड़ीसा का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दूर जाते हैं, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू।